नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीजेपी की जीत और सपा बसपा की हार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है, जिस तरह से पिछड़ों ने और मुस्लिमों ने सपा पे भरोसा जताया, इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया, क्या कुछ कहती नजर आई है आप देखिए। नाम में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैनेज किया हुआ मतलब सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया। यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काटकर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष हर हाल में आजीवन जारी रखना है। जबकि ऐसे खराब राजनीतिक हालात बीजेपी ने भी देखे हैं, जब आज़ादी के बाद से काफ़ी लंबे समय तक देश में राज करने का मौका यहाँ की जनता ने इनको नहीं दिया था, बल्कि यूपी में भी सन 2017 से पहले भाजपा की स्थिति यहाँ कोई खास अच्छी नहीं थी। और अब इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी लगभग उसी हालत से गुजर रही है जिस खराब हालत से पहले भाजपा गुजर चुकी है। इसलिए कल आए चुनाव परिणाम आगे के लिए सबक जरूर है। कल यूपी विधानसभा चुनाव के बीएसपी की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं, तो उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है, बल्कि उसके सही कारणों को समझकर व उनसे बहुत कुछ सबक सीखकर अब हमें अपनी पार्टी व मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाना है तथा आगे चलकर सत्ता में भी जरूर आना है। तभी फिर यहाँ गरीब, असहाय, दुखी, पीड़ित व कमज़ोर वर्गों के लोगों का सही से भला हो सकता है। और अब तो इनके प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के साथ साथ जातिवादी मीडिया भी, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, ये भी नहीं चाहता है कि यहाँ के खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लें, और उसके लिए वे किसी भी हद तक गिरकर अपना गंदा व घिनौना आदि खेल खेलते रहते हैं। तो पार्टियों की और साथ ही मीडिया की मानसिकता, जातिवादी मानसिकता पर सवाल उठाए हैं, जातिवादी मानसिकता कही है, और तमाम सवाल उठाते हुए बसपा सुप्रीमो नजर आई हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पार्टी के मूवमेंट को बढ़ाना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार।